हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं राखी स्पेशल राखी थीम केक। देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार है राखी केक, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से हमने इसे बनाया है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा केजी का केक स्पंज बनाकर तैयार किया है। अब हम इसे 3 लेयर्स में कट कर लेंगे। सबसे पहले उसका ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल लेंगे हम, और इसे 3 भाग में इस तरीके से डिवाइड करके मार्किंग लगा के इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए 3 लेयर्स मैंने यहाँ पे कट कर ली है। अब हम यहाँ पे ले लेंगे आधा केजी का केक बेस, यहाँ पे मैंने लिया है। अब हम इसे लगा लेंगे नीचे, थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम हम यहाँ पे लगाएंगे, और इसके ऊपर हम रख देंगे बीच वाली केक की जो लेयर हमने कट की है वो रखेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मल वाटर से मैं यहाँ पे केक को स्प्रे कर रही हूँ। आप चाहे तो शुगर सिरप से भी इसे सोक कर सकते हैं। अच्छे से इसे स्प्रे करना है। यहाँ पे मैंने वाटर में 2 से 3 बूंदे पाइनएप्पल एसेंस की भी डाली हुई थी। अब व्हिपिंग क्रीम डालकर हम इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए क्रीम अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पाइनएप्पल क्रश, क्योंकि हम पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पाइनएप्पल क्रश, और उसे भी अच्छे से स्प्रेड करेंगे हम। यहाँ पे मैंने 2nd लेयर रखकर भी उसे इस तरीके से क्रम कोडिंग कर लिया है। अच्छे से हमें इसके ऊपर क्रीम लगानी है, कैसे भी इसे छोड़ना नहीं, अच्छे से इसमें क्रम कोटिंग करना है हमें। और फिर से हम इस पे डाल देंगे पाइनएप्पल क्रश, और इसे भी हम स्प्रेड कर देंगे। अब तीसरी लेयर हम इसके ऊपर रख देंगे, और इसको भी हम अच्छे से क्रम कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसे क्रम कोटिंग कर लिया है। आप चाहे तो इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और उसके बाद आप इसके ऊपर आइसिंग करना। मैंने यहाँ पे इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अब हम इसके ऊपर कर रहे हैं आइसिंग। आप चाहे तो कलर की क्रीम से भी इसके ऊपर आइसिंग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे आइसिंग कर लिया है। अब स्टार नोजल से मैं इसके ऊपर बना रही हूँ एक स्टार, और कलर बॉल्स से मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे तो आपको जिस भी तरीके से इसके ऊपर राखी बनाना है आप बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको इस तरीके से सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है। आपको जिस भी तरीके से बनानी है आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ इसमें डेकोरेट कर सकते हो। अब ग्रीन क्रीम के साथ मैं इसके ऊपर डॉट्स दे रही हूँ, और रेड कलर की मैंने यहाँ पे क्रीम बनाई है, तो उसके साथ भी हम फिर से इसके ऊपर डॉट्स दिए हैं, और इसके ऊपर हम लगा लेंगे गोल्डन बॉल्स। ये देखिए फ्रेंड्स, राखी बनकर तैयार है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम इसमें बना लेंगे जो राखी का धागा होता है, वो बना लेंगे हम, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। राखी जितनी चाहे महंगी ले लो, लेकिन राखी का जो धागा होता है ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वही हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे राखी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे बना लेंगे पूजे की थाल, हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे पीले कलर से डॉट देकर इस तरीके से इसमें रेड कलर का कुमकुम मैंने यहाँ पे बना लिया है, और स्पंज से मैंने यहाँ पे कुछ चावल के शेप में यहाँ पे चावल बनाए हैं। ये देखिए इस तरीके से,
और एक थाल हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसमें हम नारियल और मिठाई रखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ रख रही हूँ बादाम यानी कि नारियल, और यहाँ पे हार्ट शेप का चॉकलेट मेरे पास था तो मैं यहाँ पे ये रख रही हूँ। और पूजा की थाल को मैं इस तरीके से सिल्वर बॉल्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। अब पिंक कलर की क्रीम के साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ हैप्पी राखी, ये देखिए इस तरीके से। और जो कलर की क्रीम बची हुई थी उससे मैंने यहाँ पे नीचे बॉर्डर बना ली है डॉट्स देकर, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया और कितना सुंदर ये लग रहा है। आप देख सकते हैं सबसे छोटा वाला स्टार नोज़ल लिया है मैंने, और इसमें इस तरीके से ऊपर की साइड में मैंने इस तरीके से बॉर्डर बना ली है, और साइड से मैं इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया केक बनकर तैयार है। आपको यदि ये केक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर राखी स्पेशल केक बनकर तैयार है, ये आप देख सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये राखी स्पेशल केक पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये केक पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ की अपडेट्स मिलती रहें।